नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल राजद्रोह राष्ट्रद्रोह कानून की बड़ी चर्चा हो रही है। आईपीसी की इस धारा 124A, इसको खत्म करने की बात हो रही है और इस चर्चा ने जोर पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने ये कहा, सरकार से पूछा कि आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते। ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों गांधी जी तिलक नेहरू इनको गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस कानून की आज क्या जरूरत है, उसकी आज क्या प्रासंगिकता है, तो इसे खत्म कर दीजिए। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसकी गाइडलाइंस चेंज कर देते हैं, इसको गाइडलाइंस ऐसी बना देते हैं कि ज्यादा प्रभावी हो सके। सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं नजर आया, उनका गाइडलाइंस तो अब भी हैं, उनका उल्लंघन होता है, इसको रखना ही क्यों। सरकार से कहा कि आप इस पर विचार कीजिए, आपने बहुत से ऐसे कानून जो उपयोगी नहीं है उनको खत्म किया है, ध्यान दीजिएगा शब्द उपयोगी पर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस आधार पर इसे खत्म करने के लिए कहा, तीन मुख्य रूप से आधार बताए। एक जो मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून है, आज इसकी क्या जरूरत है, देश आजाद है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तीसरी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि इस कानून में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए उनमें कन्विक्शन रेट यानी सजा पाने वालों की संख्या बहुत कम है। ये तीन आधार मुख्य तौर पर बताए। हालांकि अभी इस पर बहस जारी रहेगी, इस पर फैसला आएगा, तब और डिटेल में शायद जजमेंट में बात आएगी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर ये तीन बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं अपने ऑब्जर्वेशन में। अब इसको लेकर देश में बहस छिड़ गई है कि 124A सही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देना चाहिए। दरअसल ये आईपीसी का 24A जो है 124A वो चैप्टर 6 का हिस्सा है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता इसका हिस्सा है। इसमें दो पक्ष है, इसमें एक है राज्य के खिलाफ यानी स्टेट के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, उसमें लागू होगा। दूसरा ये है कि आप अपने भाषणों से अपनी बातों से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश करते हैं। सरकार स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब भारत के कानून और संविधान के अनुरूप जो सरकार बनी है उससे। देखिए, सरकार से मतलब आप सिर्फ राजनीतिक दल, उनके उनके नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, उनसे मत लगाइए। सरकार एक ऐसी एंटिटी है जो प्रधानमंत्री मंत्री आते जाते रहेंगे, राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, सरकार कंटिन्यूटी में है। स्टेट जिसको कहा जाता है, राज्य, बात उसकी हो रही है। अब आप जरा मुख्य न्यायाधीश के इस बयान, ऑब्जर्वेशन, सुझाव, जो भी कहना चाहें, उनको कुछ तथ्यों की रोशनी में देखिए। आईपीसी और सीआरपीसी दोनों आज जो है हमारे देश में, जिनसे हमारा दंड विधान चलता है, जिनसे हमारा अपराध के सारे मामले चलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो चलता है, वो 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी, आज़ादी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये महसूस किया अंग्रेज़ों ने कि ऐसी क्रांति को दबाने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए कानून की ज़रूरत है। तब सीआरपीसी और आईपीसी लेकर आए थे अंग्रेज 1860 में। इसके बाद 1861 में पुलिस एक्ट बना, और पुलिस एक्ट में कितनी खामियां हैं इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि बंगाल में अभी आपने देखा जो पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे, वो उस पुलिस एक्ट की ही देन है। तीसरी चीज़, 1872 में एविडेंस एक्ट आया, इंडियन एविडेंस एक्ट आया, जो अभी तक चल रहा है। बीच में मामूली कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन वही एक्ट अभी अंग्रेजों का बनाया हुआ चल रहा है, जिसकी वजह से 2G और CWG के घोटालेबाज बचकर निकल गए, सजा नहीं मिली, कभी ये सवाल नहीं उठा। 124A का मामला तीन बार सुप्रीम कोर्ट में आया, पहली बार 1962 में आया, केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस मुकदमे में उसकी सुनवाई की 5 जजों की संविधान पीठ ने,
और उसने फैसला दिया कि 124A का बने रहना आईपीसी में कानूनी रूप से वैध है। देखिए एक एक बात समझिए, इसको इसको मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये क्यों कहा जा रहा वैध है का मतलब इसका क्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब ये तीन आधार दिए तो उनमें एक एक टिप्पणी उनकी और थी, वो ये कि भाई इससे सरकार को, मतलब पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं किसी को बिना मुकदमे लंबे समय तक बंद रखने का। तो ये जो है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, लोगों की सरकार को की आलोचना की जो आजादी है, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले क्या क्या किया है जरा सा इस पर गौर कर लीजिए बहुत संक्षेप में। 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, में सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। 1994 में टाडा आया, वो भी चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। 1996 में अफास्पा आया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्म फोर्सेस को जहां भी अफास्पा लागू है जिन इलाकों में, वहां गिरफ्तार करने का लंबे समय तक हिरासत में रखने का अधिकार और बहुत व्यापक अधिकार है सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। 2004 में पोटा आया, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, चुनौती दी गई। जब इन कानूनों का क्यों मैंने जिक्र किया, इसलिए कि इन सब में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टेट को यह अधिकार है कि बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, इन सब कानूनों का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए, सब में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। ये कानून दरअसल लाए ही इसलिए गए हैं कि हमारा एविडेंस एक्ट ऐसा है, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऐसा है, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है, इतना धीरे और इस तरह से काम करता है कि अपराधी छूट जाते हैं, तो अपराधियों के खिलाफ एक डिटरेंस की तरह है। वरना तो एनार्की हो जाएगी, अराजकता को दावत देने जैसा हो जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय पर समझती रही है, इसीलिए इन कानूनों को वैध ठहराया, संविधान और कानून के मुताबिक ठहराए। अब ये जब खबर आई तब भी मैं उस दिन भी सोच रहा था इस पर एक वीडियो करने की, लेकिन फिर टाल दिया कि थोड़े समय बाद सुनवाई होगी उसके बाद करेंगे। लेकिन रविवार को एक और चीज हुई, रविवार को अंग्रेजी का न्यूज चैनल है टाइम्स नाउ, उस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई का इंटरव्यू आया, छोटा सा इंटरव्यू था, 16-17 मिनट का मुश्किल से इंटरव्यू था, और इसी विषय पर था। मैंने बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने जो बातें कही उस पर आप गौर कीजिए। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि आजकल एक प्रवृत्ति हो गई है कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए लोग आ जाते हैं। उन्होंने कहा कोई ट्रायल फेस नहीं करना चाहता, तो निचली कोर्ट को, हाई कोर्ट को मौका ही नहीं मिलता उस मामले पर, उसकी गंभीरता पर विचार करने और फैसला देने का, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है सर। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को लीगल वैलिडिटी के आधार पर रद्द कर सकता है कि ये संविधान में जो प्रावधान है उनके मुताबिक है कि नहीं, कानूनी जो स्थिति है उसके मुताबिक है कि नहीं। सरकार क्या करती है, सरकार जरूरत के हिसाब से कानून कि किस समय किस कानून की जरूरत है, ये कोर्ट नहीं बता सकता कि इस कानून की जरूरत है या नहीं, और उसकी लीगल वैलिडिटी सरकार नहीं तय कर सकती, वो अदालत तय करती है, दोनों के काम बटे हुए। फिर उन्होंने कहा कि किसी कानून का दुरुपयोग हो रहा है ये उसको रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, उस स्थिति को सुधारने की कोशिश हो सकती है। अब उन्होंने जो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर ये आधार बन जाए कि कन्विक्शन रेट कम है और कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमारा ख्याल है कि पूरी आईपीसी और सीआरपीसी खत्म हो जाएगी। आप बताइए, हत्या के खिलाफ कानून है, बलात्कार के खिलाफ कानून है, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून है, इन सब कानूनों को आप देख लीजिए, और इसके अलावा लंबी सूची है, सबका दुरुपयोग होता रहा है।
लेकिन सरकारें समय समय पर इनको सुधारने का, जो लूप होल है, जो जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है कि दुरुपयोग कम से कम हो, और इन सब में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो क्या ये सब कानून रद्द हो जाने चाहिए? अगर नहीं होने चाहिए तो सिर्फ राष्ट्रद्रोह का कानून ही क्यों रद्द होना चाहिए? ये बड़ा मुद्दा है देश के सामने। एक एक बात और चीफ जस्टिस ने कही, लेकिन उस याचिका की सुनवाई के दौरान नहीं, बाहर एक अलग कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के लोगों को अदालत पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि उनके बचाव के लिए उनके समर्थन में अदालत आएगी। बहुत अच्छी बात है, ये भरोसा सचमुच है। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? पिछले 72 साल में दो मौके ऐसे आए जब लोगों को, आम जनता को, पूरे देश को अदालत की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो सर्वोच्च अदालत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे थे। पहला 1975 में इमरजेंसी आई। इमरजेंसी में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा कि सरकार को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार है, यानी सरकार आपका मौलिक अधिकार छीन सकती है, आपके जीने का अधिकार छीन सकती है, जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, जिन मौलिक अधिकारों की आज बहुत दुहाई दी जा रही है, उन सबको छीन सकती है सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरा मौका आया 1984, जब देश की राजधानी में, जहां सुप्रीम कोर्ट के सब जज बैठते हैं, पूरी अदालत बैठती है, वहां 3000 से ज्यादा सिखों को जिंदा जला दिया गया और पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाई, एक FIR दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के पास तब भी स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार था। क्या किया सुप्रीम कोर्ट बचाने के लिए आया? सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपनी क्या सफाई देगा? आज राष्ट्रद्रोह कानून की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस कानून की जरूरत थी तो वो आज है। जिस तरह की शक्तियां इस समय देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, अंदर से, बाहर से, बाहर से पैसा आ रहा है, अलग अलग संस्थाओं के जरिए आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है, दूसरे माध्यमों से आ रहा है, टूल किट्स बन रही हैं, किस तरह से इस देश को अस्थिर किया जाए, किस तरह से इस देश को कमजोर किया जाए, उसके लिए वो चाहे नक्सल हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे अर्बन नक्सल हो, भीमा कोरेगांव, यलगार परिषद, ये सब लोग यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें इंटेलेक्चुअल्स का एक बड़ा वर्ग है, मीडिया का एक बड़ा वर्ग है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत के कारण, बीजेपी से नफरत के कारण, RSS से नफरत के कारण इस हद तक चला गया है कि वो देश के विरोध में भी कुछ हो रहा हो तो उसका भी समर्थन करने को तैयार हो गए। ऐसे में इस कानून की जरूरत अगर अगर कभी थी तो वो आज है। और ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना कि इसको खत्म कर दीजिए, मुझे लगता है कि शायद देश के लोगों के गले के नीचे नहीं उतरेगा। देश में इस समय कैसा माहौल है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कल दोपहर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश का इंटरव्यू आया एक टीवी चैनल पर, जहां छोटी छोटी घटनाओं पर पूरे न्यूज चैनल में, मीडिया में खबर छाई रहती है, अखबार पटे रहते हैं, सोशल मीडिया पर बहस चलने लगती है, उनके बयान पर एक भी खबर, एक भी रिएक्शन नहीं आया। वो कहते हैं कि 124A पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मैं कानून ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो तो जानते हैं, ये तो आप इतना तो मानेंगे, उनको कानून की जानकारी है, उनको देश की वर्तमान जो अवस्था है उसकी जानकारी है, जिस तरह का माहौल है उसकी जानकारी है, और संविधान और कानून की समझ है। उनकी कही बात पर अगर ये सन्नाटा है, ये चुप्पी है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश में माहौल क्या है। इसलिए इस कानून की आज जितनी जरूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। इस पर आप भी सोचिए। इस कानून को खत्म करने वालों की एक बड़ी जमात तैयार हो गई है।
उनके उनका जो एजेंडा है उसके रास्ते में ये कानून आ रहा है, उनके सामने सबसे बड़ी अड़चन है, तो सुप्रीम कोर्ट को उनका रास्ता क्यों आसान करना चाहिए, इस बारे में मुझे लगता है कि ज़रूर जब विचार करेंगे चीफ जस्टिस और उनके साथी जज, जब इस कानून पर आगे चर्चा होगी इस मुकदमे पर, तो ज़रूर इन पक्षों पर वो विचार करेंगे। और ये उम्मीद करना चाहिए कि जो एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है वो उस बात को स्वीकार करेंगे, उस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।